मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नशा मुक्ति अभियान को गति देने जा रही है, साथ ही प्रदेश में बनाई गई आबकारी नीति में भी फेर बदल कर सकती है। मुख्यमंत्री ने दतिया जिले के एक कार्यक्रम में दिए इस बयान के बाद अब विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है। पटवारी ने कहा है कि सर्वे बताता है कि मध्य प्रदेश में 90% बच्चे नशे के आदि हो चुके हैं। इसमें शराब के अलावा कई प्रकार के नशे हैं, जिसकी वजह से परिवार तबाह हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की 500 दुकानें को बढ़ाकर 900 दुकानें कर दिया है। वहीं पटवारी ने कहा कि प्रदेश की नई शराब नीति में सीएम ने शराब परिवहन को छूट दे दी है और घरों में शराब रखने की इजाज़त दे दी। घरों को पब और बार में तब्दील कर दिया गया है। शिवराज जी का आज वक्तव्य आया कि एक अभियान जिसमें मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। उमा भारती जी लगातार मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश को नशे पे बैंड करना चाहिए। नशे से परिवार में कलह होती है, जितने भी क्राइम होते हैं वो नशे से होते हैं। सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 70% बच्चे नशे की इससे आदि हो गए हैं, नशे का सेवन करते हैं। इसमें से सिर्फ शराब का नशा नहीं है, अन्य ऐसे ऐसे नशे जिससे कि परिवार तबाह हो गया, माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं और परिवार परिवार में वेदना और परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप ही ने 500 दुकानों से 9000 दुकानें मध्य प्रदेश में कर दी। एक दुकान पिछले वर्ष थी, उसकी 3 दुकान इस वर्ष कर दी। आपने परिवहन में छूट दे दी, नई शराब नीति के अंतर्गत घर में रखने की जगह दे दी, 50 लाख की इनकम को बार बना दिया, पब बना दिया। ये आप ही ने किया। आप इस तरह के भाषण जब देते हो तो खोखली बातें लगती है। अच्छे खिलाड़ी हो, कभी बैटिंग खुद करते हो, बॉलिंग भी खुद कर लेते हो और गेंद पकड़ने भी, फील्डिंग करने भी खुद दौड़ जाते हो। इस तरह का व्यक्तित्व मध्य प्रदेश को संवार नहीं सकता। इस तरह का व्यक्तित्व मध्य प्रदेश को गुमराह कर सकता है। इस तरह का व्यक्तित्व भ्रमित कर सकता है जनता को। सत्ता हथियाना, चुनाव जीतना एक अलग खेल है। मध्य प्रदेश में सुकून लाना, घर घर में जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आपने की थी वो एकदम जीरो है, उसकी बात करना और फिर आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ वो नियत नहीं है आपकी। आपकी नियत है कर्जा लो, विज्ञापन दो, ब्रांडिंग करो और नशेड़ी प्रदेश बनाओ। अगर ये सब न हो तो आप एक लाइन में एक बार संकल्प लें। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। उमा भारती की मांग है कि हम शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे। उसके लिए अभियान की आवश्यकता नहीं होती, निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय लो मुख्यमंत्री जी, मूर्ख मत बनाओ, झूठ मत बोलो। पराकाष्ठा है झूठ की, पर्याय हो आप झूठ के। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।